लालू यादव को चुनाव से पहले लगा बड़ा झटका। पूर्व सांसद विश्व मोहन कुमार ने राजद को कहा अलविदा। पूर्व सांसद ने राजद को छोड़ ली बीजेपी की शपथ। बीजेपी को बताया देश की सबसे बड़ी पार्टी। राजद सुप्रीमो लालू यादव को चुनाव से ठीक पहले बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद विश्व मोहन कुमार ने राजद को अलविदा कह दिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन भी कर लिया। पूर्व सांसद ने कहा कि राजद में एक परिवार का ही व्यक्ति शीर्ष पर बैठ सकता है। सत्ता के लिए लोग अपने सनातन धर्म तक का अपमान भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष और सुपौल के पूर्व सांसद विश्व मोहन कुमार ने बुधवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कुमार को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई और पार्टी में उनका स्वागत किया। सदस्यता ग्रहण करने के बाद पूर्व सांसद कुमार ने कहा कि भाजपा की नीतियों से आकर्षित होकर उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने कहा कि भाजपा का मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास किसी को भी आकर्षित करने के लिए काफी है। यही कारण है कि आज यह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। सुप्रसिद्ध गायिका सलोनी ठाकुर की मधुर आवाज में स्वागत है। श्रीराम अयोध्या नगरी में गीत का विमोचन विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा बुधवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय के अटल सभागार में किया गया। गीत को लिखने वाले और संगीत से सजाने वाले दीपक ठाकुर भी इस अवसर पर मौजूद रहे। इस पूरे गीत की परिकल्पना भाजपा कला संस्कृति प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक वरुण सिंह ने की है। इस मौके पर सिन्हा ने कहा कि देश में राम नाम की धुन भिजाओं में गूंज रही है। ऐसे समय में श्रीराम के स्वागत में एक और गीत उनके स्तुति स्वरूप सभी राम भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। लगभग 500 वर्षों के इंतजार के बाद रामलला अपने वास्तविक घर में विराजमान हो रहे हैं। पूरे देश में इस खुशी के माहौल में जहां सभी श्रीराम की अगुवाई में एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कला संस्कृति प्रकोष्ठ बिहार की ओर से श्रीराम को एक गीत स्वरूप भेंट इस गाने के रूप में देने का प्रयास किया गया है। संकलन कुमार सागर, निर्देशक अभिजीत मनीष के साथ साथ मीडिया प्रभारी अमित प्रकाश बबलू और सूरज पांडे भी उपस्थित रहे।